किसी के बेडरूम में आप अपने व्यक्तिगत अनुभव अपनी पत्नी तक रखिए, अपने मन तक रखिए, अपने बेडरूम तक रखिए। आप विधानसभा में ऐसी बोल रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर बोल रहे हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे ये बोल दिया, ये बड़ा दुखद है। कैसे कैसे निकल गया, दो बार निकल गया, लोग टोंक रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता में भी ऐसे बोला नहीं जाता। जो न्यूड और पोर्न साइट्स बनाते हैं वो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। बिहार में बहार है काहे कि नीतीश कुमार है। जी हाँ, फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार वासियों को शर्मसार कर दिया है, सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। और उन्होंने बिहार के अंदर एक ऐसा अपना ज्ञान दिया, विज्ञान दिया कि सेक्स एजुकेशन को लेकर शायद लंदन और अमेरिका भी पीछे चला जाए। जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने पूरा मर्यादा अपना खोया और दो बार चेहरे पे हंसी और पीछे बैठी एक महिला असहज महसूस कर रही थी, उन्होंने इस चीज की थोड़ी भी निंदा नहीं की। जब सोशल मीडिया पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री ट्रोल होने लगे तो उसके बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि क्या शादी होने के बाद एक लड़का और लड़की जो पहले रात से करते हैं वही का नतीजा है कि जनसंख्या बढ़ता है। अब उसको रोकने के लिए लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा और जब लड़कियां पढ़ लेगी तो वो कहेगी लड़कों से कि इसको अंदर मत डालिए, बाहर निकालिए। अब जरा सोचिए कि एक स्टेट के, एक राज्य के सीएम किस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस राज्य का क्या होगा और विकास कैसे होगा। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो उन्होंने कहा वो अपने पे तो मत कहो, क्या फायदा इससे। अब गलत कहा, किसी भी, वो तो संवैधानिक पद पर हैं। मेरा तो कहना है किसी भी व्यक्ति को इस तरह की अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक, गैर कानूनी, आपत्तिजनक किसी के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की भाषा जो प्रयोग की है, हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला है। आज उन्हें जागरूक होना चाहिए था, इस पर उन्हें सोचना चाहिए था कि क्या हो रहा है। बात ये अपमान केवल आधी आबादी का नहीं है, ये पुरुषों का भी अपमान है, पुरुषों के वैवाहिक जीवन का अपमान है, यौन सुख का अपमान है, जो जीवन के बहुत बड़ा सुख होता है उसका अपमान है। किसी के बेडरूम में आप अपने व्यक्तिगत अनुभव अपनी पत्नी तक रखिए, अपने मन तक रखिए, अपने बेडरूम तक रखिए। आप विधानसभा में ऐसी बोल रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर बोल रहे हैं, एक बार नहीं दो दो बार बोल रहे हैं, लगातार अपने विधायकों के सामने बोल रहे हैं, उनमें महिला विधायक भी, माननीय महिला विधायक हैं, उनके सामने भी बोल रहे हैं। वो काफ़ी दुखद था, अपमानजनक था, अश्लील था। और अश्लीलता पर तो हमारे देश में आईपीसी बनी हुई है, इंडियन पेनल कोड है। इस तरह की अश्लील बातें करने पे आईपीसी में मुकदमा दर्ज होता है। एक राज्य के सीएम होने के नाते जब वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो साफ तौर पे ये समझा जाए कि वो महिलाओं को सिर्फ यही समझते हैं कि वो सेक्स के लिए बनी है। नहीं, ऐसा नहीं वो समझते हैं। उनकी माँ भी महिला है, बहन भी महिला है, पत्नी तो महिला है ही, बच्चे भी हैं, बहू भी हैं, बेटा बेटी, नाती पोते हैं। उम्र उनकी बहुत बड़ी उम्र है, अच्छी उम्र है, सुखद जीवन के क्षणों में है। विकास पुरुष के रूप में माने गए, सुशासन बाबू के रूप में जाने गए, लेकिन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे ये बोल दिया, ये बड़ा दुखद है। कैसे कैसे निकल गया, दो बार निकल गया, लोग टोंक रहे हैं, उनके व्यक्ति, उनकी महिलाएं, उनके विधायक उन्हें टोंक रहे, रोक रहे हैं। एक बार हो गया, दोबारा उच्च सदन में भी फिर बोला गया, विधान परिषद में भी उस बात को बोला गया। ये दुखद है। देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार की माननीय मुख्यमंत्री रावड़ी देवी जी भी रहीं, महिला रहीं, हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी रहीं, हमारे देश की आदरणीय देश की महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रहीं राष्ट्रपति, वर्तमान में भी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महिला हैं। तो हमारे देश में आधी आबादी का आधी आबादी से भी अधिक सम्मान है। देश के महामहिम पद पर विराजमान है। और ये कितने राज्यों की गवर्नर हैं, जुडिशरी में हैं, राजनीति में हैं, अभिनेता, विज्ञान, ज्ञान, सभी जगह महिलाएं हैं। और
देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण महिला और विधानसभा विधान परिषद और लोकसभा राज्यसभा में देने का बिल रखा, पास हुआ, लागू होगा थोड़े दिन बाद। तो उसके बाद भी अगर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो, ऐसी बातें हो, तो दुख होता है। और ये दुख केवल महिलाओं को नहीं होता है, हमारे पुरुषों को भी होता है। पुरुष भी ऐसी अपमानजनक अभद्र टिप्पणी को पसंद नहीं करता है। हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावत, हाड़ा रानी का देश रहा है। इस देश में प्यार को भी हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरियाद की कहानी रही है। ये प्यार भी महत्वपूर्ण था। बिहार में आरती यादव, अररिया की छोटू यादव की अभी 2022 की कहानी है। प्यार की अभी कहानी आप देख रहे हैं सीमा, सचिन, मीना। प्यार की बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर और सौरभ कांतिवारी, सौरभ अख्तर, उनके प्यार की। तो ये जो विषय रहा ये गंभीर है। विवाह का यौन सुख, जिसे आप सेक्स शब्द कहते हैं, वो बेडरूम की बात है। बेडरूम, पर्दे लगने के बाद, दरवाजे बंद होने के बाद, किवाड़े बंद होने के बाद, लाइट बंद होने के बाद की बातें हैं। उनको इतना खुला नहीं किया जा सकता। ये पाश्चात्य सभ्यता में भी ऐसे बोला नहीं जाता। जो न्यूड और पोर्न साइट्स बनाते हैं वो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वो अपने प्रोफेशन से मजबूर हैं, उनकी रोजी रोटी पोर्न साइट हो सकती है, मैं इसे नहीं पसंद करता हूँ। इंडिया में पोर्न को भी बैन कर दिया गया। पोर्न बैन है, मैं उसे भी नहीं कहता। रोजी रोटी के और भी साधन है, लेकिन वो लोग भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा देश भारतीय सभ्यता संस्कृति का देश रहा है, बहुत विशाल देश रहा है। और ऐसे में अब अच्छी बात ये रही, उन्होंने माफ़ी मांग ली, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली, विधानसभा में माफ़ी मांग ली, मीडिया के सामने माफ़ी मांग ली, इसलिए अब ये बात हल्की पड़ जाएगी। तुरंत माफ़ी मांग ली, सुबह का भूला, रात को घर वापस आ गया, ये भी चलो ठीक रहा। लेकिन क्या वो विपक्ष ने हंगामा किया इस वजह से उन्होंने माफ़ी मांग ली? तो विपक्ष होता इसीलिए, हाँ। देश जनार्दन, सोशल मीडिया, हाँ। नहीं, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, ये सब है क्या? हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों है? मजबूत है कि ये गलत ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलने देते हैं, हाँ। तो इसका मतलब हमारी आंख, कान और मुंह सब सही चल रहे हैं। सबने विरोध किया, विरोध करना चाहिए था। उस पे बयान दे रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन बता रहे थे, नहीं उसको समझने में आप लोगों को। सेक्स एजुकेशन टीन एज में बताई जाती है, हाँ। टीन एज से बताई जाती है, हाँ। वो विधानसभा में क्या बता रहे हैं ये सोशल मीडिया पे बच्चे देख रहे हैं, 8-10 साल का बच्चा भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया तो आजकल सब है। अब ये चीज़ हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भी लोगों ने डाली, पे इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर उस पर भी लोगों ने डाला और कहा ये क्या है, जवाब तो दो सिंह साहब, हाँ। बोला तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ, हाँ। लोगों के सामने अपने पेज पर रूबरू हो रहा हूँ और बता रहा हूँ उन्हीं लोगों को जो कह रहे थे आप चुप क्यों हैं, हाँ। इस पर बोलिए, आप कहिए क्या आपके मित्र हैं नीतीश कुमार, क्या आपके तेजस्वी यादव मित्र हैं, क्या आपके राष्ट्रीय जनता दल या लालू प्रसाद यादव हैं, अच्छे संबंध अच्छे हैं, मित्रवत संबंध अच्छे, लेकिन गलत को गलत कहना भी जरूरी होता है और गलत कहना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो भी उनका कंटेस्ट सही नहीं है, हाँ। उन्हें अपनी माताजी जो बिहार की माननीय मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी जी का अभी बयान आया है, वो साफ तौर पे कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जिसे गलती हो गई, हाँ। उन्होंने गलती में ऐसे बोला, इसका अच्छा है, उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, सम्मानजनक। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की गलती को माना, हाँ। अपने गठबंधन को स्वीकार किया, हाँ। लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी बड़े मतलब जीवन उन्होंने जिया है, हाँ। अच्छा जीवन जिया है। बच्चे ज़्यादा होना ये हंसी की बात नहीं है उनके लिए, लेकिन होता है। अब ये सब चीज़ें उन पर लागू हों, वो लागू, हंसी की बात तो थी, लेकिन हंसी के बाद ये जब लोग सुनते हैं, हाँ। ऐसी अमर्यादित और अश्लील टिप्पणी देखी जाती तो हंसी नहीं रहती, जब आत्मा दुखती है उन यो विवाहित जोड़ों की, उन बेडरूम में तो सभी हैं, हाँ। भाई जो शादी करे, हाँ। वो पछताए, लोग कहते हैं, लेकिन जो शादी ना करे वो भी पछताए, हाँ। बात तो दोनों तरफ होती है। तो सभी पति पत्नी है देश में
और न नहीं होने वाले वो होंगे। हाँ। आज की युवा पीढ़ी भी शादी करेगी, हमारी बहन बेटियों की भी शादी होती है, बेटा बेटी भी ब्याह जाते हैं और सब बाहर ब्याह जाते हैं, लेकिन इस तरह से ऐसे कहना ये बहुत अपमानजनक है। हाँ। और सो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा। हाँ। विपक्ष चुने देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता माने जाते हैं, भारत के इंडिया गठबंधन की शुरुआत उन्होंने की, पहली बैठक पटना में की, फिर बॉम्बे और उस तरह से जगह होता रहा, उम्र दराज व्यक्ति हैं और ऐसे सर करना। चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा, जिस बिहार के अंदर स्वास्थ्य सिस्टम खराब हो, जिस बिहार के अंदर बेरोजगारी हो, लोग वहां पे अपने सरकार से जवाब मांगते हैं, रिजल्ट के लिए स्टूडेंटों को तड़पना पड़ता हो, आंगनवाड़ी की वर्कर जो है विधानसभा के सामने बैठ के और वो धरना दे रही हो, उस समय में सीएम नीतीश कुमार जी उनको बयान और नहीं देते लेकिन विधानसभा में इस तरह की बातें करते, ये दुखद है। राजा हैं बिहार के। हाँ। बिहार ऐसा प्रदेश है हमारे देश का जिसका नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में सबसे पुराना, जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज नहीं थे तब भी हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। महात्मा बुद्ध की धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, सोना, अभ्रक, खनिज, मैग्नीज, तांबा, पेट्रोल, कॉपर, जस्ता, सभी खनिज पदार्थों की धरती, वन्य जीव संरक्षण की धरती, दुनिया के लिए मैन पावर देने वाली धरती, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब, और बिहार का व्यक्ति पूरी दुनिया के हर देश में है। और इतना व्यक्ति अपने हिम्मत वाला होता है, हौसले वाला होता है कि अपनी मेहनत के दम पर, अपनी ईमानदारी के दम पर, अपने त्याग तपस्या और बलिदान के दम पर पूरी दुनिया में छवि बनाए हुए लगता है। सर, जिस तरह से इनके बयान आए इस चीज को लेकर, जब बिहार में चुनाव हो गए उसका कितना असर दिखेगा? चुनाव पे असर तो अलग बात है, लेकिन माफी मांग ली है उन्होंने। हाँ। तो इसलिए चलो हो सकता है अब लोगों में फिर गलती, देखिए गलती माफी मांगना तो सबसे बड़ा, माफ़ी मांगी है उन्होंने, अब लोग कितना स्वीकार करते हैं उनकी माफ़ी को, उन्होंने तो कह दिया, अब महिलाएं कितनी स्वीकार करती हैं, हमारे देश की आधी आबादी कितना उसको तवज्जो देती है उस उनकी माफ़ी मांगने को। हाँ। ये लेकिन अगर देखा जाए तो सर मेरे हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि प्यार जो होता है एक दूसरे के बीच में, प्रेमी के बीच में, या फिर शादी जो होती है एक पुरुष और एक महिला के बीच में, तो क्या सिर्फ एक मुख्यमंत्री जो है उसे सिर्फ सेक्स के तौर पे देखा? ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ विवाह संस्कार है और विवाह इतना बड़ा संस्कार है, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों में विवाह एक संस्कार है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों में विवाह एक संस्कार है। हमारी भाषा अलग हो सकती, खाना पीना अलग हो सकता, पहनावा अलग हो सकता, रंग रूप अलग हो सकता, बोलचाल अलग हो सकती है, लेकिन विवाह सब में एक संस्कार है और इस संस्कार को पवित्रता के साथ माना जाता है, इसको रीति रिवाज के साथ जोड़ा जाता है। चाहे निकाहनामा हो तो उसमें मस्जिद यानी कि खुदा शामिल है, विवाह हो उसमें भगवान ईश्वर गणेश जी शामिल हैं, शंकर जी शामिल हैं, प्रभु श्री राम शामिल हैं, गुरुद्वारे में शादी होती है उसमें गुरु गोविंद सिंह और सिख धर्म शामिल है पवित्रता मर्यादा के साथ, क्रिश्चियन मैरिज करते हैं तो उसमें भी गिरजाघर शामिल है, जो भी किसी धर्म का हो उसमें सब बांधी कैंडल जलाई जाती है, गुरुद्वारे में रोशनी जलाई जाती है, दीपक जलता है, मस्जिद में चिरागा जलाया जाता है और यहाँ ज्योति जलाई जाती है, तो सब जगह प्रकाश है, रोशनी है, यानी कि उज्ज्वलता है, बहुत कीर्तिमान है। हाँ। तो विवाह को अभी भी हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, आपने देखा सेम सेक्स मैरिज। हाँ। करने जा रहे थे, अननेचुरल सेक्स को नेचुरल बनाने जा रहे थे, प्राकृतिक को अप्राकृतिक को प्राकृतिक करने जा रहे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारा अच्छा फैसला किया और उन्होंने कहा नहीं, राज्य सरकार, देश की सरकार का मामला है, भारत सरकार इस पर विचार करे और हम इसको लागू नहीं करेंगे। इसका मतलब उन्होंने मांगा माना कि जो सेम सेक्स मैरिज और इस तरह के लोग हैं वो कुछ मानसिकता, उनकी सोच गलत हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, उनकी शारीरिक अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन इसे सभी पर लागू नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो इस बात को उन्होंने हमारे हक में फैसला किया, हमारी जीत हुई। हाँ। और वो सनातन की जीत थी। हाँ। वो सारे उन विवाह को संस्कार मानने वालों की जीत थी और सब सफल हुए इसमें। ऐसे में एक और सवाल उठता है कि जो बिहार के बच्चे भारतीय सेना में जाते हैं या फिर बिहार पुलिस के अंदर वो कार्यरत हैं,
उनके पास क्या मैसेज जाएगा इस चीज से? देखिए, अगर जैसा उन्होंने कहा रोज करते हैं, हाँ, शादिया के बाद, हाँ, अब ये जैसे हमारी सीमा पर लोग सेना के 6-6 महीने नहीं आते हैं, साल साल भर नहीं आते हैं, हाँ, जो पनडुब्बी में जाते हैं, हाँ, सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हाँ, महीनों नहीं आते हैं, पानी में ही रहते हैं, क्या बात आप करते हो। अब चंद्रयान में जाने वाले लोग आदित्य L1 के लिए कई कई दिन वहां निकले नहीं, वहां से इसरो से नहीं निकले, ट्रेन में गार्ड जो लेके जाता है ट्रेन कहां से कहां लेके जाते हैं, सब लोग कार्य कर रहे हैं, यात्री हों चाहे पायलट हों चाहे एयर सर्विसेज हों चाहे मेडिकल सर्विसेज हों, कोरोना काल में लोग कितने दिन नहीं गए घरों पे, आर्मी से जुड़े हुए लोग, पत्रकार हो आप लोग, जुड़ते हुए लोग, यूक्रेन में जो कवरेज कर रहे हैं हमारे युद्ध, हाँ, बाहर की पत्रकार कर रहे हैं, उनकी पत्नियां यहाँ है, क्या मतलब उनका इस तरह से, इससे उनको भी दुख पहुंचा है, इससे भावना। देखिए, सेक्स नॉलेज अलग चीज है, सेक्स की शिक्षा अलग है, वो पति पत्नी का निजी मामला है, निजता पर आधारित है, पूरी तरह से निजी मामला है, उसको इस तरह से सार्वजनिक करना, सार्वजनिक प्रचार करना, यह पूरी तरह से गलत है, दुखद है, अपमानजनक है, यह अश्लील टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हंसी में भी नहीं करनी चाहिए। अरे यार, ऐसी बात करनी, तुम अकेले में अपनी पति पत्नी से बात कर लो, क्या करना क्या नहीं करना, वो तो एक क्षण होता है और वो ऐसा क्षण होता है, मधुर क्षण होता है। वो कहते हैं ना, मनुष्य का जन्म प्यार में होता है, उसका पालन पोषण भी प्यार में होता है, यही तो है, और जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम प्यार है। तो उस क्षण को आप बाहर कर रहे हैं, बेडरूम की बात को आप बाहर हंसी के साथ बोल रहे हैं, वो पवित्र कार्य होता है, संतति उत्पन्न होती है, नया संसार पैदा होता है, व्यक्ति की आगे की पीढ़ी का काम करने वाले होते हैं, हम वृद्ध हो जाएंगे तो बच्चे आगे संभालेंगे, आपका दिल्ली अपडेट है, न्यूज चैनल सभी चलेंगे, लेकिन आगे आपके स्टूडियो में पूरा भरा होता है, तो आगे पीढ़ी आएगी, नए आएंगे, कैमरा मैन आएंगे, कोरियोग्राफर आएंगे, जर्नलिस्ट आएंगे, सब आएंगे, तो चले। एक और सवाल रहेगा, जिस तरह से बिहार विधानसभा को एक मंदिर माना जाता है बिहार का, और जहां से बिहार का भविष्य तय होता हो, उस बिहार के विधानसभा के अंदर अब इस तरह की जब अमर्यादित भाषाएं सामने आएंगी, तो बिहार का भविष्य क्या होगा? संवैधानिक जगह है, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, हाँ, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, हाँ, ये लोगों की आस्था का विषय है, लोगों की श्रद्धा का विषय है, हाँ, पूरे राज्य की आस्था और श्रद्धा और विश्वास वहां से जुड़ा होता है कि हमारे लिए जनता के द्वारा, जनता की सरकार जनता के लिए कार्य करती है, और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे विचार पक्ष विपक्ष के मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होता है। अगर विधानसभा बिहार में बैठे हैं तो को बिहार का विकास होना चाहिए, विकास में पर्यटन बढ़े, विकास में शिक्षा बढ़े, बिहार में आतंक व गुंडा राज खत्म हो, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, ये व्यवस्थाएं बढ़े, इन पर काम करना चाहिए, सरकार को इनके लिए काम करना चाहिए, लैंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन हो, वहाँ चीज़ें मार काट ना हो, दंगे ना हो, शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, IIT कॉलेज खोलें, एम्स खोलें, स्वास्थ्य के लिए सुधार हो, लोगों में जीवन में परिवर्तन आए, गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, लोग विदेशों में जाएं, योग्यता बढ़े, ये चाहते हैं। लेकिन इस तरह की ऐसी अमर्यादित चर्चा नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने भूल सुधार किया है तो ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लोगों को क्षमा करने की दिल में बढ़ना चाहिए कि लोग देखो, अब देखना ये होगा कि कितने लोग उन्हें क्षमा करते हैं, हाँ, और कितने लोग नहीं क्षमा करते हैं। कहने को तो चेक, वो कहते ना, जुबान से निकली हुई चीज, हाँ, तीर से, कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आता है, हाँ, अब वो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात। तो बहुत अच्छी सर ने बात कही कि मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती। ठीक इसी तरह से इस वक्त बिहार के CM नीतीश कुमार का हाल है, और जिस तरह से उन्हें बयान दिया उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन इस चीज को लेकर बिहार के लोगों को समझना होगा कि जिस तरह से बिहार के अंदर शिक्षा की हालात है, जिस तरह से स्वास्थ्य के हालात हैं, और जिस तरह से आंगनवाड़ी की महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन सब को छोड़कर बिहार के मुखिया सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरनाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।